आज जो मैं आपको वजीफा बताने लगी हूँ, आपकी फरमाइश पे बहुत प्यारा वजीफा है, बहुत नायाब है। सबसे प्यारी अहदीस की तरफ चलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा रसूलल्लाह हो, क्या तुमने कभी मुझे बुरी या गंदी जुबान में बात करते हुए सुना है? याद रखो, क्यामत के दिन वो लोग अल्लाह की नजर में से सब बुरे होंगे जिन्हें लोग अलहदा रखते हों खुद से। इनसे कनारा कर लें ताकि इनकी गंदी या फहश जुबान या गुनाह से अपने आप को महफूज रख सकें। बहुत प्यारी हदीस है। जो लोग अपनी जुबान की हिफाजत नहीं करते, मुझे आप एक छोटी सी बात बताएं कि एक जुबान ही तो है जो इंसान को अच्छा बनाती है बुरा बनाती है। आपके हाथ पांव बेशक मारते हों लेकिन बोल तो नहीं सकते। आपको पता है जुबान के अल्फाज इतने सख्त होते हैं कि वो मारने से भी ज्यादा बड़े होते हैं। आप वैसे मारने उतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी जुबान के अल्फाजों से होती है। तो आपसे यही गुजारिश की जाएगी इस हदीस के बाद कि आप किसी से भी गलत और जैसे गाली गलौज हो जाता है, बदतमीजी हो जाती है आसान लफ्जों में, किसी के साथ किसी की दिल आजारी नहीं आप किया करें, क्योंकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं। तो हम उम्मती होके कैसे ये इख्तियार कर सकते हैं? ठीक है, आज के सबसे प्यारे वजीफे की तरफ चलते हैं। आप लोगों की बहुत ज्यादा फरमाइश पे ये वजायफ पेश किए जा रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि हमें वो वजायफ चाहिए जो वाकई ही असर रखते हों। इस वजायफ को करने का वक्त जुमेरात, जुमा, इतवार और पीर है। नौ चंदी को भी आप कर सकते हैं तो क्या ही बात है, नए चांद के दिनों में भी आप करें तो बहुत जबरदस्त है। ये वजीफा जो पाकिस्तान के लोग हैं वो रात के 9 बजे ये वजीफा शुरू करें, क्योंकि कुछ 7 का भी हिसाब होता है। और जो बाहर के मुल्क में लोग हमें सुनते हैं या हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, उनसे गुजारिश की जाती है कि वो भी ये वजीफा जो है रात को अपने उधर के 9 बजे के हिसाब से करें, ठीक है, ताकि ईशा का अच्छा खासा टाइम गुजरे और ये साथ अच्छी होती है। इतवार वाले दिन 9 बजे करें और जुमेरात वाले दिन 10 बजे करें। ये एक ऐसा वजीफा है कि जो आपसे नाराज है, जो आपका प्यारा आपसे दूर है, या कोई आपसे इतनी मोहब्बत करता था कि अचानक ही ऐसा हुआ कि वो आपसे मोहब्बत करना छोड़ गया, चाहत करना छोड़ गया, आपके अजीजों कारिम में से है, वालदेन में से है, बहन भाइयों में से है, जिस किस्म का भी मसला हो, सिर्फ आज जो मैं तरीका आपको बताऊंगी वो आपने इख्तियार करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ये एक ऐसा मैं आपको वजीफा बताने लगी हूं कि आपके जो भी दूर हैं या बिछड़े हुए हैं वो वापस आ जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने तसव्वुर पहले उनका बनाएं, उनको याद करें, 5 मिनट उनका नाम लें। नाम ये नहीं है कि नाम आपने इस तरह मतलब कि नाम ले लिया और बस खामोश हो गए, नहीं नहीं आपने पूरा नाम लेना है, पूरा जो भी उनका नाम है, उनकी वालदा का नाम है, दोनों का नाम ले लें। अगर आपको उनकी वालदा का नाम नहीं पता, फर्ज करें कि अगर कोई ऐसा है कि जिसका आपको वालदा का नाम नहीं पता, तो आप पता है क्या करें, आप बिनते अम्मा, अगर कोई मतलब के लड़का है या कोई भाई है या कोई आपका अजीजो कारिब है, तो फिर आपने क्या पढ़ना है, बिन आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है, क्योंकि हम उन्हीं की पैदाइश हैं, हम उन्हीं से ही हमारे रास्ते खुले हैं, ठीक है। अब आपने या रोफू तसव्वुर मिला के अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूशी पढ़ के सिर्फ और सिर्फ 7 दिन ही अमल करना है। 7 दिन जब आपके अमल के पूरे हो जाएं तो आपने दुआ करनी है, किसी मीठी चीज पे दुआ करके ना बच्चों को तकसीम करवा दें बस। तो फिर आप देखिएगा 7 से 11, 11 से 21 दिन के अंदर अंदर जो भी आपसे दूर है, नाराज है, वो आपके पास आ जाएगा या फिर आपको आपसे राब्ता करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये वजीफा ऐसा है कि उसके दिल के अंदर आग लगा देने वाला वजीफा है। जो भी आपसे नाराज है, जो आपको छोड़ चुके हैं, जो आपके प्यारे आपसे गलत इस्तेमाल ना करें, बीवी अपने शोहरों के लिए भी कर सकती हैं, शोहर अपनी बीवियों के लिए, क्या ही बात होगी। अगर वो घर में मौजूद हो तो पानी पे दम करके दे दें। अब इसकी तादाद आपने 300 बार आपने पढ़ना है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ये एक ऐसा नया वजीफा है। आपकी सोच है कि ये आपके लिए कितना बुलंद वजीफा है। और अगर आप इस्तखारा करवाना चाहते हैं अपने प्यारों के लिए तो हमारे चैनल पर आके
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फिर कमेंट्स बॉक्स में आके बात करें। इंशाल्लाह की भरपूर मदद की जाएगी इंशाल्लाह ताला। और मैं आपको ना उम्मीद नहीं करूंगी इंशाल्लाह अपना।